भेता में सीता वन आई, रावण कुल को नाश कराए तो कमी तो रह गई खप्पर में। ब्रह्मात्या ने द्वापर में द्रौपदी का रूप धारण किया और एक दिन द्रौपदी कह रही थी भगवान श्री कृष्ण से, केशव बहुत जल्दी महाभारत का युद्ध होने वाला है क्योंकि मैंने युद्ध की सारी भूमिका बना करके तैयार कर ली है। और इतना कहकर के द्रौपदी आगे बढ़ी, तब तक भीम ने इन बातों को सुन लिया। भीम ने पूछा, कन्हैया ये द्रौपदी क्या कह रही थी, क्या महाभारत का युद्ध होगा, लेकिन इसे कैसे पता है? भगवान कृष्ण कहने लगे, तुम्हें नहीं पता है भीम, द्रौपदी कौन है? बोले, हमारी पत्नी है। भगवान ने कहा, तुम्हारी पत्नी तो जरूर है लेकिन इसका एक रूप और भी है, वो हम तुम्हें आज दिखाएंगे। और उसी दिन भगवान भीम को लेकर रात्रि में चले, एक जंगल में पहुंचे जहां अलौकिक प्रकाश हो रहा था। उस अलौकिक प्रकाश में कुर्सियां पड़ी हुई थी, एक सिंहासन बना खाली था जो किसी के आने का इंतजार कर रहा था। और तब तक यही द्रौपदी सिंह पर सवार होकर के उसी सिंहासन पर विराजमान हुई। देवताओं को संबोधित करती हुई बोली है, देवताओं चिंता मत करना, बहुत जल्दी भूमि का भार हरण होने वाला है क्योंकि महाभारत का युद्ध होने वाला है और उसमें भी आधा खप्पर भीम भरने वाला है। जैसे ही भीम ने सुना कि वास्तव में केशव आप सही कह रहे थे, इसको तो पता है। और इतना संबोधन करने के बाद जब चली है ये द्रौपदी वहां से, रास्ता रोक लिया भीम ने, कहा रुक जाओ द्रौपदी, खड़ी हो जाओ, क्या कह रही थी, महाभारत का युद्ध होगा? बोले होगा। भीम कहने लगे, कैसे युद्ध होगा, हम हथियार ही नहीं उठाएंगे महाभारत के युद्ध में। द्रौपदी कहने लगी, तुम्हें हथियार तो उठाना होगा, युद्ध भी करना होगा क्योंकि बिना तुम्हारे हमारा खप्पर कौन भरेगा। भीम ने कहा, ठीक है हम युद्ध करेंगे लेकिन एक वचन दे दो हमें द्रौपदी। बोले मांगो। तो भीम कहने लगे, हमें ये वचन दे दो कि महाभारत के युद्ध में एक भी पांडव न मारा जाए। द्रौपदी ने कहा, हम तुम्हें वचन देते हैं कि महाभारत के युद्ध में एक भी पांडव नहीं मारा जाएगा। आज उसी समय भगवान कृष्ण भी वटवृक्ष से कूद पड़े और कहने लगे, नारायणी छठे नारायण का भी ध्यान रखना। द्वापर में द्रौपदी बन आई, कौरव दल को नाश कराए दो कमी तो रह गई खप्पर में। दुर्गा रही मंदिर में, बड़ी के चक्कर में। लला हमें तो वैसे बीमारी परेशान करे दो तीन दिन से, और तुम्हें साउंड में बीमारी है, चूहर हमें परेशान कर रहे हो। कलयुग में बेला बन आई, कलयुग में बेला बन आई,
भरी भरी ऊंट पिए लोहू के कमी तो कह गई खप्पर में मैया रही मंदिर में नाच खुदा बड़े चक्कर ब्रह्म हत्या थी द्रौपदी जिसने हर युग में अवतार धारण किया। कितना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया। और ये युद्ध धर्म और अधर्म पर आधारित था। धर्म और अधर्म का युद्ध था। गंगा पुत्र भीष्म पितामह जैसे बलवान धराशायी हुए और कितने दिनों तक सरसैया पर पड़े रहे। क्यों? सिर्फ इसलिए पड़े रहे क्योंकि उन्होंने अधर्म को होते हुए देखा था। जब पांडव पहुंचे हैं भीष्म पितामह के पास, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है, पितामह कुछ नीति शास्त्र का तो वर्णन करते जाओ, तुम जाते रहे हो। आज नीत शास्त्रों का वर्णन किया है, धर्म नीति, राजनीति, और अंत में एक बात कही भीष्म पितामह ने कि पाप करने से ज्यादा पाप सहने वाला दोषी होता है, पापी होता है। पाप करने वाले से ज्यादा जो पाप को सहता है वो दोषी होता है, उसे पाप लगता है, वो ज्यादा पापी होता है। इतना सुनने के बाद द्रौपदी हंसने लगी। युधिष्ठिर कहने लगे, क्यों हंस रही हो द्रौपदी? पितामह तो अपनी बात कह रहे हैं, तुम्हें हंसी क्यों आई? भीष्म पितामह ने कहा, कोई कारण तो होगा, द्रौपदी से पूछेंगे क्यों हंसी। तो द्रौपदी ने कहा, पितामह आप ये कह रहे हो कि पाप करने से ज्यादा पाप सहने वाला था पापी होता है, तो क्या उस दिन उस सभा के अंदर आप नहीं थे जब हमारी साड़ी खींची जा रही थी? क्या वो पाप आपने होते हुए नहीं देखा? भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी इसीलिए तो महीनों हो गए सरसैया पर पड़े हैं, वो गंदा खून हम निकाल रहे हैं जो दुर्योधन के गलत अन्न का परिणाम है। अगर गलत धन दूषित धन न खाया होता, दूषित अन्न न खाया होता तो हमारी बुद्धि क्यों बिगड़ती? और बुद्धि न बिगड़ती तो हम पाप होते हुए भी नहीं देखते। लेकिन पाप होते हुए मैंने देखा है, इसी की सजा तो यह है जो हम सरसैया पर महीनों से पड़े हुए हैं। तो दूषित धन, गलत अन्न नहीं खाना चाहिए। अब दूषित अन्न कैसा होता है? लोग बाजार में जाते हैं, पहुंच गए गोलगप्पे की दुकान पर, और गोलगप्पे वालों थोड़ी देर पहले नाक मुगली चला रहा था नाक, और तब तक पहुंचे तुम, बस वैसी हाथ से गोलगप्पा उठाओ, पानी में डुबाओ, तुम्हें दे दो, वो कैसो है बताओ, कैसा? अगर ऐसा दूषित अन्न खाओगे तो मन कैसा होगा? बुद्धि भी तो वैसी होगी। या तुम्हें मालूम है कि इस गोलगप्पे वाले ने दो चार दिन से नहाया है भी कि नहीं? बताओ, पता है? लेकिन हम उसी अन्न को खाते हैं, उसी जल को पीते हैं जो दूषित है, तो फिर बुद्धि भी तो हमारी वैसी होगी। अब थोड़ी देर पहले समोसा बनाने वाला आटा लगा रहा था समोसा के लिए, और समोसे के आटे बहुत मेहनत होती है। अब आटा लगाता रहा, पसीना आया थोड़ा बहुत, उस आटे में भी टपका, और समोसे के आटा में घी मिलाया जाता है डालडा,
अब घी मिला रहा है और तब तक नाक में से टपका घी वो भी उसी में मिल गया। आप लोग हंसी हंस रहे हो, हम सच कह रहे हैं। ऐसा होता होगा मैंने देखा है, ऐसा होते हुए आंखों से देखा, इसलिए कह रहे हैं। तो ऐसे दूषित अन्न को उपयोग मत करो, प्रयोग मत करो, आपकी बुद्धि भी वैसी हो जाएगी जैसा अन्न आप खाएंगे। ऐसे खाना से तो बचे रहिए। और सबसे पहली बात तो यह है कि बाहर का तो खाना खाना ही नहीं चाहिए। अगर पता है कि शुद्धता है, पवित्रता है, तब तो खाओ, अन्यथा बिल्कुल मत खाओ। बिना नहाए खाना बनाना नहीं चाहिए और बिना नहाए खाना खाना नहीं चाहिए। अब बिना नहाए अगर खाना बनाओगे तो उसका भोग तो लगा नहीं सकते तुम भगवान को। फिर वो खाना हो सकता है कि आपको ही खाने लगे, क्योंकि ऐसे ही खाना से फिर बीमारियां बनती। और नहा करके खाना अगर बनाया गया है तो भगवान का भोग लगेगा, फिर वो प्रसाद बन जाएगा, फिर उससे कोई दुख कोई दूषित नहीं रहा, वो तो प्रसाद हो गया भगवान का। तो ऐसे अन्न को खाने से बुद्धि अच्छी होती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय।